हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 25 जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर और हम कहते हैं वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 25 है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड द चैप्टर इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हमको इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस दी हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दिए वो स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमको यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखनी है। तो ये सारा कुछ शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का नाम जो है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर शब्द जो है आपको पता है, एग्रीकल्चर कैसा शब्द है, एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, एगर कल्चरा। एगर मीन्स होता है सॉइल, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, टू कल्टीवेट। तो एग्रीकल्चर मीन्स होता है टू कल्टीवेट द सॉइल। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टर्म में, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो टर्म है, ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है लेकिन इकोनॉमिक्स कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। इसमें दो जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं, ओइकस और दूसरा होता है नॉमस। ओइकस एंड नॉमस। अब ओइकस का मतलब क्या होता है, ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घर, ठीक है, जो घरेलू चीज़ होती है हाउस होल्ड। और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है याद रखना, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है ये भी याद रखना, और इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है याद रखना। कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं, ओइकस और नॉमस। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी जो हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं दैट इज रिफर्ड एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। शब्द से अगर मतलब समझें, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, लेकिन इसका अगर शब्द का मतलब से देखें, सिंपली इसका लिटरेरी मीनिंग क्या निकल कर आता है, तो ग्रीक वर्ड है ओइकस प्लस नॉमस से बना है। ओइकस माने होता है हाउस होल्ड, नॉमस माने मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट को ही हम सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेफिनेशंस दी उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मिथ की डेफिनेशन। तो इसको हम स्मिथ यानी जो एडम स्मिथ है, पूरा नाम अगर मैं लिखूँ तो उनका नाम है एडम स्मिथ। तो आप पूरा नाम याद करो, स्मिथ तो छोटा हो गया लेकिन अगर पूरा नाम आता है साइंटिस्ट का तो पूरा नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इकोनॉमिक्स के लिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों फेमस हैं, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, तो दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और एडम स्मिथ की जो डेफिनेशंस है उसका एक नाम और है, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो जो भी हमारी वेल्थ होती है, ठीक है, हमारे पास जो धन दौलत होती है, जायदाद होती है, दैट इज़ वेल्थ, उसकी स्टडी करने को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, सारी जो वेल्थ उसी की साइंस को ही इकोनॉमिक्स कहा गया है। तो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो कह रही है कि वेल्थ की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी उसने वेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करा है। तो इसकी डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। कैसी डेफिनेशन बोलते हैं, वेल्थ डेफिनेशन। तो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है वेल्थ के ऊपर, यानी इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ की स्टडी को कहा जाता है, दैट इज़ वाई एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन नाम से भी जाना जाता है। और एक और बात, ये इतने ज़्यादा फेमस हैं, इसका मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये भी आप बुक को साथ लेके बैठी करें, और बुक्स में जो स्पेस बचा रहता है वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए करें, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे कौन है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उनकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ नोन एज वेल्थ डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट में, एडम स्मिथ के बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मार्शल, ओके। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है दैट इज़, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द डेली बिजनेस। तो इंसान जब अपना डेली बिजनेस कर रहा होता है, उस डेली बिजनेस के दौरान उसका बिहेवियर कैसा रहता है, उस बिहेवियर की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, दैट इज़ द
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द मार्शल। तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है ये बेसिकली ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के ऊपर थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्शल का पूरा नाम पूछा जाता है तो मार्शल का पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि उसने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करी है। याद रखना कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। इसके अलावा नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबिन्स आते हैं। इनका जो पूरा नाम है दैट इज लिनॉल रॉबिन्स, लिनॉल, LINOL, लिनॉल रॉबिन्स। लिनॉल रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इंसान की जो इच्छाएं कैसी अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत अजीब अजीब इच्छाएँ और अनलिमिटेड हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे रिसोर्स कैसे हैं बहुत लिमिटेड हैं। हमारी ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो तो असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे रिसोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द यूज़ ऑफ चॉइस ऑफ मेकिंग रिसोर्स, हमको कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, दैट इज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो मेक अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो हमको रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, उनके क्या अल्टरनेट यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को डिफाइन करा है लिनॉल रॉबिन्स ने। तो जो डेफिनेशन दी गई है लिनॉल रॉबिन्स के द्वारा, इसका नाम होता है स्कार्सिटी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को बहुत फेमस कर रखा है स्कार्सिटी डेफिनेशन के नाम से, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो वेल्थ को लेकर थी, तो इसलिए हम उसको वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं। लिनॉल रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहलती है कि हमारी जो इच्छाएं वो तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और हमारी जो चॉइस बनती है कि हम किस रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उसको उसका अल्टरनेट तरीका है उसको यूज़ करने का, ये जो हमारी चॉइस होती है इसकी डेफिनेशन लिनॉल रॉबिन्स ने दी थी। और इसकी डेफिनेशन को हम स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, बहुत कम हैं, अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड हैं। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनको कैसे यूज़ मिलाना है वो डेफिनेशन जो हमें बताती है रॉबिन्स की डेफिनेशन इंडिकेट करती है। इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन आती है पीग्यू की जो डेफिनेशन है वो इम्फेसाइज करती है ह्यूमन के वेलफेयर को, कि यह चीज़ बताती है ह्यूमन वेलफेयर को बताती है, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर से जुड़ी हुई है, ये बात बोली थी पीगू ने। तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं चारों साइंटिस्ट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है एडम स्मिथ की थी। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है, याद रखना, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम आगे चलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर है वो पाँच होते हैं। पांच सब्जेक्ट मैटर में फर्स्ट वन इज़ कंजप्शन। कंजप्शन माने क्या होता है, चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है, उपभोग करना, हिंदी में बोल सकते हैं उपभोग करना है, कंज्यूम करना। देन सेकंड इज़ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, तो प्रोडक्शन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, जो हमारे इनपुट होते हैं हम उनको लेते हैं और इनपुट को हम कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट में, यानी इनपुट से हम कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रोडक्शन। तो इनपुट का यूज़ करके आउटपुट जनरेट करना दैट इज़ प्रोडक्शन। एक्सचेंज, वी ऑल नो, लेन देन करना, आदान प्रदान करना, दैट इज एक्सचेंज। एंड देन आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन में हम चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, उसका एक्सचेंज करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देन एट लास्ट वी विल गो फॉर पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, यानी जो भी जनता का पैसा होता है वो सब यहाँ पे आता है। प्रोडक्शन होते हैं तो लोगों को जाके हम क्या करते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लोगों को जाके प्रोड्यूस करते हैं, तो पब्लिक क्या करती है उसमें फाइनेंस, पब्लिक का पैसा भी आ जाता है। तो ये पांच सब्जेक्ट मैटर होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद अब आता है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो पाँच हैं। पाँच चीज़ें मिलकर ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, वी नीड अ लैंड, एक ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम पूरा अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, फिर फॉर्म या इंडस्ट्री जो भी हम उसको सेट कर सकते हैं। अब लैंड होता क्या है, ज़मीन का एक टुकड़ा, अर्थ सरफेस में यानी धरती के ऊपर ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, जो नेचर की तरफ से हमको मिला है, ठीक है, कहाँ से मिला है, नेचर की तरफ से मिला है, और ये फिक्स्ड रहता है, याद रखना लैंड जो होता है फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और लैंड के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलता है, लैंड के ऊपर जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं रेंट। लैंड का जो रिवॉर्ड होता है उसको हमने नाम दिया है रेंट। इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है हमारे लेबर।
ज़मीन तो हमने ले ली, काम करने के लिए मजदूर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लेबर। लेबर जो होते हैं वो इंसान भी हो सकते हैं, और आजकल तो लेबर की जगह रिप्लेस करके मशीन्स आ चुकी हैं, तो बट लेबर स्टिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, वर्कर्स चाहिए होते हैं। और लेबर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव फैक्टर है, याद रखना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा फैक्टर फिक्स रहता है, लैंड फिक्स रहता है, लैंड के ऊपर रेंट दिया जाता है। लेबर जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव फैक्टर माना गया है, और लेबर को क्या मिलता है, रिवॉर्ड में वेजेस मिलती हैं, दिहाड़ी मिलती है। थर्ड जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ कैपिटल। यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, कैपिटल है थर्ड नंबर पे, कैपिटल आता है। कैपिटल एक पैसिव फैक्टर है, कैसा फैक्टर होता है, पैसिव फैक्टर होता है, कैपिटल इज़ अ पैसिव फैक्टर। कैपिटल में एक चीज़ आपको याद रखना है, हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल इज़ वेल्थ, एक तरह की वेल्थ होती है, लेकिन सारी वेल्थ कैपिटल में नहीं आती। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई ए है, ए के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ए के अंदर बी आता है, सी आता है, डी आ रहा है और ई आ रहा है, ठीक है। सपोज़ कर लो, ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ऐसी ए बी सी डी का, ए जो है वो हमारी कैपिटल है, ए क्या है हमारा, कैपिटल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बी आ रहा है, सी आ रहा है, कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और ई हमारा जो है वेल्थ है। क्योंकि अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से ए बी सी डी करके समझा रही हूँ। ए हमारा कैपिटल है और ए बी सी डी, ए के अंदर कुछ बी सी डी आ रहा है, और इसमें से एक जो लास्ट फैक्टर है ई हमारा वेल्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी है कि सारी कैपिटल वेल्थ हैं। अब आप इस फिगर को देखो, जो मैंने ए बी सी डी बनाया, कैपिटल के अंदर वेल्थ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेल्थ एक तरह की क्या है, कैपिटल ही है। लेकिन सारी वेल्थ कैपिटल में आ रही है, नहीं, सारी की सारी वेल्थ कैपिटल नहीं बन सकती, क्योंकि कैपिटल के अंदर बी भी आ रहा है, ई के अंदर बी नहीं आ रहा है, और ए के यानी कैपिटल के अंदर बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन ई तो अलग ही है, ठीक है, वेल्थ तो अलग है। तो सारी कैप मतलब ए जो हमारा ई है वेल्थ है, तो कैपिटल जो है सारा का सारा वेल्थ को तो कवर कर सकती है, लेकिन वेल्थ जो है सारा का सारा कैपिटल को कवर नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी वेल्थ होती है, यानी ऑल कैपिटल इज़ वेल्थ, सारी की सारी कैपिटल वेल्थ तो है, लेकिन सारी वेल्थ कैपिटल नहीं है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे इसका रिवॉर्ड देखो, जो हमारी कैपिटल होती है उस पर जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। यानी कैपिटल पे हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। याद रखना, हमारे पास ज़मीन थी, लैंड था, लैंड को जो रिवॉर्ड मिला दैट इज़ रेंट, लेबर को हमने वेजेस दी, कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो आता है फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बहुत सारा जो ग्रुप होता है लोगों का, जहाँ पे पूरा सेटअप होता है इंडस्ट्री का, बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा एंटरप्राइज, लास्ट में हम पूरी अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं, दैट इज़ एवर एंटरप्राइज। और इन सब से हमें क्या मिलता है, हमारा जो एंटरप्राइज है वो हमें देता है प्रॉफिट। हमको एट लास्ट क्या चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए, जो इंटरप्राइज पे मिलता है, इंटरप्राइज को जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज़ प्रॉफिट, ओके। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो माने होता है बड़ा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो कम चीज़ के संग डील करती है, जैसे फॉर एग्जांपल सच एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ द कंजप्शन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न विद द इंडिविजुअल यूनिट। किसके संग कंसर्न कर रहे हैं, एक अकेला इंडिविजुअल यूनिट यानी सिंगल इंडस्ट्री के संग जब डील करते हैं, या सिंगल एक अकेला सिंगल फार्म के संग डील करना, या सिंगल कंज्यूमर, इसका मतलब इन शॉर्ट इंडिविजुअल, ठीक है। जब एक अकेला इंडिविजुअल या फिर वी कैन से दैट सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी के संग हम डील करते हैं ना, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जाता है, जब हम किसी इंडिविजुअल के संग डील कर रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि हमारा कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम और है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम और है, वो भी आप नोट कर लो, यहाँ पे स्पेस बहुत है आपके पास बुक में, तो आप नोट करो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, याद रखो। ठीक है, प्राइस देखो छोटी स्पेलिंग होती है प्राइस की। अभी आपको मैं मैक्रो भी बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है। तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक समझ में आ गया, जब हम किसी इंडिविजुअल या सिंगल चीज़ के संग डील करते हैं दैट इज़ अवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके संग डील करते हैं, वी डील विद द होल इकोनॉमिक सेटअप। हम पूरे होल पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेटअप के संग डील करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, जैसे हमारे पास एक सैम्पल है, एक सैंपल अगर हम बोलें तो एक सैंपल की जब हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई। जब हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, जब हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगी। ठीक है, जैसे हम स्टैट्स में पढ़ते हैं ना, एक सैंपल है या बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के लिखा है डील्स विद होल इकोनॉमिक सेटअप एंड रिलेटेड एडिशनल और एवरेज। ठीक है, एडिशनल और एवरेज के संग डील करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल इनकम कितनी बनी, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेविंग्स। ठीक है, प्राइस लेवल पे डील करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, या पूरा का पूरा होल इकोनॉमिक सेटअप कैसा हो रहा है। ठीक है, तो जो मैक्रो होता है ये हमेशा डील करता है टोटल या फिर होल, पूरा का पूरा होल के संग डील करने को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम कुछ होता है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी नाम कुछ होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम मैंने आपको बताया था प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, वैसे ही हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी। अब याद कैसे रखें, देखो प्राइस और इनकम आपको याद रखना है। देखो माइक्रो माने होता है छोटा और प्राइस की स्पेलिंग कैसी है, छोटी स्पेलिंग है, तो आप कनेक्ट करो माइक्रो मतलब छोटा और प्राइस की स्पेलिंग छोटी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को यानी छोटी इकोनॉमिक्स जो हो रही है, छोटी इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। और मैक्रो माने होता है बड़ा और इनकम की स्पेलिंग प्राइस से तो बड़ी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक यानी जो बड़ी इकोनॉमिक्स होती है उसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ रीड आउट कर लेते हैं। व्हाइल वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ सिंगल फार्म और इंडिविजुअल फैमिली, इट इज़ रिफर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब हम किसी रिसोर्स एलोकेट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, लेकिन हम सिंगल फार्म और इंडिविजुअल फैमिली के लिए ही सोच रहे हैं, तो वो हमारा माइक्रो के अंदर आएगा। जबकि अगर हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में या सेम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स के लिए कर रहे हैं, यानी जो हमारा एरिया है वो बड़ा हो गया है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारा डेवलपमेंट होगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। यहाँ पे हमको कोऑपरेटिव्स इन इंडिया में कुछ हिस्ट्री पढ़नी है कि कोऑपरेटिव्स की शुरुआत कैसे हुई थी। देखो सबसे पहले जो कोऑपरेटिव्स की शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूरोप में, नोट कर लो। वैसे यहाँ पे आप यह चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे ना, तो आगे ये पॉइंट दिया है कि यूरोप में स्टार्ट हुई है, तो उसको नोट नहीं भी करोगे चलेगा। ठीक है, याद रखना कोऑपरेटिव्स की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। और इंडिया में कब हुई थी, इंडिया में हुई थी 1904 में। ये जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था ना, ये तो चैप्टर 25, इससे पहले जो 24 चैप्टर पढ़ा था हमने एक्सटेंशन वाला, उसमें हमने डिस्कस करा था कि कोऑपरेटिव्स की शुरुआत 1904 में हुई थी और किसने करी थी, एफ निकल्सन ने करी थी। और मैंने आपको वहीं पर बताया था कि इनको हम फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है एफ निकोलसन को। तो एफ निकोलसन जो है इन्होंने इंडिया में शुरुआत करी थी 1904 में, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। ये पॉइंट मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की लिमिटेशन क्या थी, जो एफ निकोलसन ने 1904 में जो मूवमेंट मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट्स चलाए थे ये तो ठीक था, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशंस क्या थी जो 1904 में चलाया गया था, इसकी लिमिटेशन पहले तो ये थी कि यहाँ पे किसी भी नॉन क्रेडिट सोसाइटी को प्रोविजन नहीं दिया गया था। प्रोविजन माने उनको अलाउ करना, उनको भी हक देना, तो यहाँ पे नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ को कोई हक नहीं दिया था कि उनको कोई प्रोविजन नहीं मिला था। एक और इसकी लिमिटेशन है, एक तो फर्स्ट लिमिटेशन तो उसकी ये हो गई कि नॉन क्रेडिट सोसाइटी को कोई प्रोविजन नहीं मिला था। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है लिमिटेशन में वो है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको भी यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं मिला था। तो याद रखना जो 1904 का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करा था
एफ निकल्सन ने, उसमें दो चीज़ खामी रही थी, दो लिमिटेशंस रही थी। एक तो क्रेडिट, जो नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ है उनको रोल नहीं मिला था, और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी रोल नहीं मिला था। ठीक, इसके कुछ टाइम बाद 1912 आया। 1912 में भी एक्ट आया कोऑपरेटिव्स को लेके, और इनमें क्या होता कि 1912 का जो एक्ट था इसने यहाँ पे जो भी लिमिटेशंस थी उनको सब यहाँ पे फुलफिल करा। मतलब 1912 में देखा कि जो पहले वाला कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया था वहाँ पे नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ को रोल नहीं दिया था, तो 1902 में इन्होंने इनको भी प्रोविजन दे दी। तो पहला तो यहाँ पे 1912 का जो उसका एडवांटेज था ये था कि जो चीज़ यहाँ पे लिमिटेशंस थी वो यहाँ पे एडवांटेज बन गई थी, मतलब नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इसके अलावा जो यहाँ पे जो दूसरा मैंने आपको बताया था सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इनको भी यहाँ पे प्रोविज़न मिल गया था 1912 में। ठीक है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ था इनका कोई प्रोविज़न नहीं था 1904 के एक्ट में, लेकिन 1912 के जो एक्ट आया वहाँ पे इनको भी इंक्लूड करा। तो यहाँ पे नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पे मौका मिल गया था 1912 के एक्ट में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट 1914 में क्या होता, 1914 में क्या, अब क्या हुआ था, डिफरेंट कमेटी बनेगी। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट कमेटीज़ के बारे में बताऊंगी कि अलग अलग कमेटी बनती हैं और मुझे किस तरह से वो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पे अपना रोल प्ले करती हैं। तो पहले 1914 में जो कमेटी बनाई गई थी वो सर मैगलन की कमेटी बनाई गई थी, जो भारत सरकार थी उसने एक कमेटी बनाई थी सर मैगलन के अंडर 1914 में। और इस कमेटी का जो मेन रोल था वो क्या था, ये कमेटी का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ये इनका तो मेन काम था कि कोऑपरेटिव्स की स्टडी करें इंडिया में, और इनकी कुछ रिकमेंडेशंस आई। इनकी जो रिकमेंडेशंस आई उसमें मेन जो फोकस करा गया वो ये करा गया कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें कोऑपरेटिव से रिलेटेड। ठीक है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए, और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका फॉर्मेशन करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोविज़न दिया जाना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव्स बनते रहें। कोऑपरेटिव्स होने से फ़ायदा क्या होता है कि लोग कोऑपरेट होकर काम करते हैं तो फ़ायदा उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और केयरफुल स्क्रूटनी हो सकती है मेंबर्स की बिफोर ग्रांटिंग लोन्स, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं लोगों को लोन भी प्रोवाइड करती हैं, तो प्रॉपर लोन्स भी लोगों को मिल सकता है। तो ये इस कमेटी जो सर मैगलन की कमेटी 1914 की, उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे। उसके बाद अगेन फिर एक कमेटी बनी 1944 में। 1944 में क्या हुआ कि जो कमेटी बनी थी वो प्रोफेसर डी आर गदगिल के अंदर कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने भी क्या करा, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं उनकी स्टडी करी और कुछ अपने सजेशंस दिए कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर 1945 में भी क्या हुआ, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी बनी थी। तो डिफरेंट कमिटीज़ बनती रहती। 1945 में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी बनी थी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट बाद में पेश करी। फिर 1951 में आया। 1951 का जो टाइम था इस दौरान क्या होता कि ऑल इंडिया रूरल सर्वे कमेटी बनाई गई, इसने भी अपनी रिपोर्ट पेश करी। और ये कमेटी किसके द्वारा, मतलब इस कमेटी का जो हेड थे, चेयरमैन थे, दैट इज AD गोरवाला, इनके अंडर भी कमेटी बनाई गई। इन्होंने क्या बोला कि इनके जो रिकमेंडेशन, मतलब इनका जो रिकमेंडेशन था उसमें ये रहा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका उनका नंबर बढ़ना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बननी चाहिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को भी इंक्लूड करा। अभी मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या है इसको हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में क्या आता है। ठीक है, इनका ये काम था, इनके रिकमेंडेशन थी। दैन असिस्टेंस फॉर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड सब्सिडीज ऑफ द सोसाइटीज़, लोगों को लोन्स और सब्सिडी की फॉर्म में हेल्प करना चाहिए लोगों को। अडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्रेडिट, एक कंट्रोल क्रेडिट का सिस्टम लाना चाहिए। SBI का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट बैंक्स का होना चाहिए, स्टेट मतलब जो बैंक्स हैं वो फॉर्म होने चाहिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली लोन ले सकें, और ये सब रूरल एरियाज़ में होना चाहिए। ये थी कमेटी की रिकमेंडेशन। फिर 1954 की बात करें तो 1954 में भी क्या हुआ था कि ये कमेटी, मतलब वही पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती हैं कोऑपरेटिव कांग्रेस, इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का। तो जो थर्ड इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस बनी थी नैनीताल में, उसकी कमेटी है कांग्रेस का ओकेजन हेल्ड हुआ था 1958 में। उन्होंने भी क्या बोला, कोऑपरेटिव सेक्टर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करी। उसके बाद आता है INC, नाइन्थ पॉइंट ज़रूरी। INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1959 में नागपुर में हेल्ड हुआ था, और उन्होंने भी क्या कहा था कि जो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमिक है, एग्रेरियन इकोनॉमिक्स यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी है, उसमें कुछ रिजोल्यूशन होने चाहिए। उसमें क्या हुआ, रिजोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के ऊपर भी चर्चा की गई। फिर
क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनने लगी। ठीक है, तो फिर पहली मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव, ये पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनी थी वो 1939 में उड़ीसा में बनी थी, दैट इज़ ओडिशा। अब तो नाम चेंज हो गया, उड़ीसा पहले था, अब उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो पहली मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ बनी थी, ओडिशा में बनी थी, 1939 में बनी थी। देन 1954 में क्या हुआ था, द ईयर 1954 इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ रूरल क्रेडिट सोसाइटी क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया। फिर उसके बाद कॉपरेटिव्स, कॉपरेशन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, ओरिजिन इसका यूरोप में हुआ है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका जो ओरिजिन हुआ है कॉपरेशन का, वो यूरोप में हुआ है, और इंडिया में 1904 से कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, और ब्रिटेन को इसका होमलैंड माना जाता है। जितने भी कॉपरेटिव मूवमेंट्स होते हैं उनका जो स्टोर स्टोर होता है, स्टोर मूवमेंट जो माना जाता है, कॉपरेटिव स्टोर मूवमेंट, वो ब्रिटेन को माना जाता है। इस तरह से और आगे चल के डेवलपमेंट होते रहे कॉपरेटिव्स में। 13th पॉइंट बोल रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेटिव मार्केटिंग इज टू रिड्यूस मार्केटिंग मार्जिन एंड टू इंश्योर द फार्मर्स फॉर अ बेटर प्राइस। जो कॉपरेटिव मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है कि फार्मर्स को जो मार्केट मार्जिन है वो कम कर दिया जाता है, ताकि फार्मर्स को उनकी बेटर इनकम उनको मिल सके। उसके बाद 14th पॉइंट ज़रूरी है, मल्टी यूनिट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था 1942 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्किंग फॉर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हुज ऑब्जेक्ट्स एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड टू मोर देन वन स्टेट। मतलब मल्टी यूनिट कॉपरेटिव सोसाइटीज़ में देखा गया कि एक स्टेट से ज़्यादा का एरिया यहाँ पे उनको कवर करना था। फिर 15th पॉइंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCDC एक्ट, दैट इज़ नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ था 1962 में, ठीक है। उसके बाद ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, NCDC का फुल फॉर्म, वो तो अच्छे से याद कर लो, नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता था, एक्ट 1962 में पास हुआ था। नेक्स्ट 16th पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या था कि जो कॉपरेटिव्स थे ना, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो होते थे, मतलब सरकारी जो कर्मचारी होते वो अपना दखल अंदाजी करते थे, दखल देते थे, इंटरफेयर करते थे। तो इसीलिए कॉपरेटिव्स में ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट का वर्कर या ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो, जो कॉपरेटिव्स वो अपने आप को प्रोफेशनलाइज कर सकें, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज बन सकें, प्रोफेशनल बन सकें। इसीलिए क्या था कि जो ब्रह्म प्रकाश कमेटी थी उन्होंने मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास करा था, ठीक है। ये एक्ट पास हुआ था, पहले भी पास हुआ था, पर 2002 में ये इनैक्ट हो चुका था, ठीक है। 2002 में इसको इनैक्ट कर दिया गया था, और ये इफेक्ट में कब आया, 19 अगस्त 2002, ठीक है। तो 19 अगस्त 2002 में ये इफेक्ट में आ चुका था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। MSCS जो था इनैक्ट हुआ था 2002 में, और उसको इफेक्ट में कब लाया गया था, 19 अगस्त 2002 में लाया गया था, ठीक है। जो कॉपरेटिव्स होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए ही चलाया गया था, ये सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे, ताकि वो अपने जाके जो कॉपरेटिव्स होते हैं वो अपने इलेक्शंस, अपने पॉइंट्स और अपने ऑडिटर्स जो हैं वो सबको अरेंज कर सकें, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकें, डिपॉजिट या फिर लोन्स या फिर ग्रांट्स चीज़ों को कर सकें, ठीक है। लोन ले सकते हैं बैंक से या कॉपरेटिव, दूसरे कॉपरेटिव सोसाइटीज से। तो ये सब हमारे सिंपल कॉपरेटिव्स की जो हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो गई। तो आपको यहाँ पे याद जो रखने मेन हाईलाइट पॉइंट्स वो ये हैं कि कॉपरेटिव्स कब स्टार्ट हुआ था, 1904 में स्टार्ट हुआ था। कॉपरेटिव उसके जो फादर माने जाते हैं वो एफ निकल्सन को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। NCDC का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहला मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ बने थे, ये बनी थी ओडिशा में, 1939 में बना था, ये ईयर सही था आपको याद रखना, 1939 में ओडिशा में बना था, ठीक है। कॉपरेशन का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ओरिजिन इसका हुआ था यूरोप में। ये इतनी बात है आपको, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं RBI एंड SBI पे, ठीक है। RBI क्या होता है, RBI दैट इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किस साल बना था, तो 1 अप्रैल 1935 में ये बन गया था RBI, और इसका जो एक्ट पास हुआ था वो इससे पिछले साल में हुआ था, 1934 में एक्ट पास हुआ था, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, डेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि RBI कब बना था। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को जब हम अप्रैल फुल मना रहे थे ना, तो 1 अप्रैल 1935 में बन गया था। फिर ये बाद में नेशनलाइज भी हुआ था, तो नेशनलाइज कब हुआ था, न्यू ईयर के दिन, अप्रैल फुल के दिन बन गया था, और न्यू ईयर के दिन नेशनलाइज हुआ था, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज्ड हो चुका था, ठीक है। और उसके जो पहले गवर्नर थे, RBI के जो पहले गवर्नर थे वो थे मिस्टर
ऑस्बोर्न ए स्मिथ, ठीक है। तो याद रखना स्मिथ, ये स्मिथ अलग हैं, ठीक है। एडम स्मिथ थे और ये वाले जो स्मिथ हैं अलग हैं, पर आप देखो स्मिथ याद रखना, ठीक है। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही स्मिथ के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी, स्मिथ की जो वेल्थ वेल्थ की डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी, और ये आरबीआई का जो पहला गवर्नर है वो भी स्मिथ था, पर ये स्मिथ और वो स्मिथ अलग हैं, ठीक है। ये इनका नाम है, तो ये थे पहले गवर्नर आरबीआई के, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है वो आप नोट करो, दैट इज़ HQ, यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का, तो हेड क्वार्टर है इसका बहुत सिंपल, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। अब आते हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है तीन बैंक से मर्ज होके बना था। पहला है हमारा बैंक ऑफ बंगाल जो कि बना था 1804 में, दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे जो बना था 1840 में, तीसरा है हमारा बैंक ऑफ मद्रास जो बना था 1843 में, ठीक है। तीन बैंक हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को बैंकों को 1921 में एक कर दिया गया था, उस एक बैंक का जब नाम आया तो उसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में मर्ज हो गया था, याद रखना डेट, मतलब जो साल है वो याद रखना, 1921 में हुआ था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया था, ठीक है। और बाद में बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इसके साथ एसोसिएट होने लगे थे 1959-60 के बीच में। तो इतनी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है तीन बैंक के मर्ज होने से बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बना नाम 1921 में इसको एक बना के नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा था, और फिर 1 जुलाई, याद रखना 1 जुलाई 1955 को उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स, ठीक है। तो लोन्स जो होते हैं तीन टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की। तो नाम से क्लियर है शॉर्ट टर्म लोन जो है कम टाइम के लिए दिया जाता है, इट इज़ फ्रॉम 1 to 1.5 ईयर, ठीक है। कितने साल के लिए दिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है 1 to 1.5 ईयर। अगर ये आपसे मंथ्स में पूछ रहे जाते हैं तो मंथ में आप क्या लिखोगे, 1 ईयर यानी 12 मंथ्स, ठीक है। तो 12 मंथ्स से 18 मंथ्स, ठीक है। ये ईयर में भी है, कहीं कहीं पे आपको अगर अब कहीं कंपिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हो तो ये ऑप्शंस नहीं आए, ईयर में सपोज मंथ में ऑप्शन आ गए तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स। तो 1 ईयर to 1.5 ईयर मतलब कि 12 मंथ्स से लेकर 18 मंथ्स तक का ये जो लोन दिया जाता है उस इतने पीरियड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं फार्मर को जनरली उनकी जो क्रॉप्स होती हैं वन सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए दिया जाता है। तो दैट इज़ वाई शॉर्ट टर्म लोन का एक नाम और होता है, शॉर्ट टर्म लोन को हम क्रॉप लोन भी बोलते हैं, क्रॉप लोन। शॉर्ट टर्म लोन का एक नाम है क्रॉप लोन, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन्स जो होते हैं ये मीडियम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है इट इज़ 1 ईयर to 5 ईयर्स, ठीक है। 1 साल से 5 साल तक के लिए जो लोन प्रोवाइड होता है दैट इज़ मीडियम टर्म लोन, ठीक है। मीडियम टर्म्स लोन जो होते हैं जल्दी किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं जल्दी, जैसे फार्मर्स को क्या करना होता है, दवाई लेनी होती है, जैसे फील्ड के क्रॉप्स के लिए जो हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स लेते हैं ना, इन सब चीज़ के लिए जो होता है फार्मर्स क्या करते हैं मीडियम टर्म्स लोन लेते हैं। देन हमारा लास्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 5 ईयर्स to 30 ईयर्स। तो याद रखना 1 1.5 ईयर में शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, उसके बाद 5 साल तक जो आपको मिलता है वो मीडियम होता है, फिर 5 से 30 साल तक का जो मिलता है आपको लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स जनरली जो होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड लेना है हमें, कोई ज़मीन खरीदनी है, बिल्डिंग या फिर ट्रैक्टर खरीदना है, तो इसकी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं उनके लिए जो फार्मर्स लोन लेते हैं दैट इज़ रिफर्ड एज लॉन्ग टर्म लोन। तो तीन तरह के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इनका ड्यूरेशन अच्छे से याद करना, शॉर्ट टर्म 1 to 1.5, देन अप टू 5 ईयर्स मीडियम, अप टू 30 ईयर्स लॉन्ग टर्म। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर।
जो कॉपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह के क्लीन बैंक्स मतलब अवेलेबल रहते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, हम एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर वाले बैंक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्रीकल्चर बैंक्स में देखो लोन दो तरह के थे, मतलब तीन तरह के थे, तो शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स को एक कर दिया गया है यहाँ पे। शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स एक कैटेगरी में कर दी और लॉन्ग टर्म्स को अलग कैटेगरी में करा। शॉर्ट मीडियम टर्म्स लोन के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनके लिए कौन से बैंक रहते हैं, उनके लिए सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स रहते हैं स्टेट लेवल में। इसमें एग्जांपल आता है LBD यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में बनाए होते हैं, जो कि किसके लिए होते हैं, देखो लैंड के लिए हम कौन सा लोन ले रहे थे अभी मैंने आपको बताया, लैंड है, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, इन सब के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेना प्रेफर करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं आपको 30 ईयर्स तक की वैलिडिटी होती है, ठीक है, तो इनके लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए जो होता है वो आता है हमारा LDB, दैट इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो प्राइमरी या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, उनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखना प्राइमरी कोऑपरेटिव सिर्फ शॉर्ट और मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जबकि LDB लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर की देखें तो नॉन एग्रीकल्चर में वही पैटर्न चलता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बनती हैं क्रेडिट के लिए, जिसमें क्या आता है, एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट टॉपिक आता है LDB यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कौन से टाइप के लोन देता होगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड के लिए लोन मिलेगा तो लॉन्ग टर्म होगा, याद रखना ये हमें लॉन्ग टर्म लोन देता है जो कि अप टू 30 ईयर्स तक टाइम पीरियड तक रहता है। फर्स्ट मॉर्टगेज बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1928 झांग पंजाब। फर्स्ट लाइन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो उसको, फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट मॉर्टगेज बैंक, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, मॉर्टगेज का मतलब होता है जैसे सपोज हमें कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी कोई गिरवी रख देते हैं। सपोर्ट हमने कोई अपनी घर गिरवी रखा है, अपना ज़मीन गिरवी रख देते हैं, या फिर अपनी कोई ऐसी इसेंशियल प्रॉपर्टी को जो हम गिरवी रख देते हैं ताकि जब हम कोई दूसरी चीज़ खरीद सके उसके बदले, दैट इज़ रिफर्ड एज मॉर्टगेज। तो पहला मॉर्टगेज बैंक भारत में 1920 पंजाब झांग में बन गया था। बट रियल बिगिनिंग स्टार्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल मॉर्टगेज लैंड मॉर्टगेज बैंक। लेकिन सबसे पहले सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक बना था 1929 मद्रास में, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। और इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान द नेम ऑफ दिस बैंक चेंज टू लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मद्रास में जो सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक बना था, बाद में इसका थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इसका नाम LDB यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया था। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो लोन फाइनेंस करता है, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस करता है लोगों पे, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव में आता है जैसे सेटलमेंट्स ऑफ ओल्ड डेब्ट्स, जो पुराने डेब्ट्स होती हैं उन सबको सेटल आउट करना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी आपके पास लोन लेने आ रहा है और स्पेशली लॉन्ग टर्म लोन लेने आ रहा है, क्योंकि LDB की बात हो रही है, LDB में तो वैसे भी लॉन्ग टर्म्स लोन ही प्रोवाइड होते हैं, तो ओल्ड डेब्ट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, सेटल आउट करना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड्स की इंप्रूवमेंट के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है तो एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करना एक मेन इसका रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो फैसिलिटी दी जाती है लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू, आप इक्विपमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे यू कैन परचेज द इरीगेशन इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर। मैंने आपको बताया ना ट्रैक्टर बहुत महंगे होते हैं, इरीगेशन इक्विपमेंट्स भी आजकल कितने महंगे आ रहे हैं, इन सब बहुत महंगी महंगी चीज़ों के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लगता है, इन सब के लिए LDB जो है लोन प्रोवाइड करता है। कैसा लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। फिर आती है क्रॉप लोन स्कीम। क्रॉप लोन स्कीम में क्या था कि क्रॉप लोन स्कीम वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से बनी है, याद है, रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1954, उसके तहत हमारी जो क्रॉप लोन स्कीम है वो तैयार हुई थी। और सबसे पहले क्या था कि जो मिस्टर BL मेहता थे उनके रिकमेंडेशन के तौर पर, उनकी रिकमेंडेशन से जो क्रॉप लोन था वो सब इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इन द ईयर 1960। ठीक है, क्या रखना, अकॉर्डिंग टू मिस्टर BL मेहता रिकमेंडेशन द नीड ऑफ क्रॉप लोन इन स्टार्ट हुई थी, यानी क्रॉप लोन की ज़रूरत है वो कब सामने आई थी, 1960 में सामने आई थी। और सबसे पहली बार जो क्रॉप लोन सेंक्शन हुआ था वो कॉटन के लिए हुआ था इन महाराष्ट्र, बिरार जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर दिया गया था क्रॉप लोन सबसे पहले कॉटन क्रॉप के लिए।
नेक्स्ट आता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आपको बता दूं कि जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये जो रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी सहायता कर सकें। और आरआरबी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सटेंशन वाला चैप्टर था वहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था आरआरबी के बारे में, कि जो पहला आरआरबी है वो कहाँ बना था, ये बना था हमारा मुरादाबाद में बना था। ठीक है, पहला आरआरबी हमारा मुरादाबाद यूपी में बना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था प्रथमा बैंक। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आरआरबी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द कमिटी ऑन रूरल बैंक्स हेडेड बाय एम नारासिम्हन इन 1975। हुआ क्या था एक्चुअली में, 1975 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। ये जो प्रोग्राम था इसने आरआरबी को एक नई पहचान दी, उसको एग्जिस्ट कराने में हेल्प करी। ठीक है, याद रखना, अगर पूछा जाता है कि आरआरबी को एग्जिस्ट कराने में इंदिरा गांधी ने कौन सा प्रोग्राम शुरू करा था, उसका नाम था 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम इन द ईयर 1975। और फिर 1975 में जो रूरल कमेटी के हेड बने थे वो एम नारासिम्हन बने थे 1975 में। उसके बाद स्टार्टिंग में 5 आरआरबी को इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, 5 आरआरबी में से सबसे पहला बना था यूपी के मुरादाबाद में, मैंने आपको नाम बताया उसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक था। ठीक है, नाम यहाँ पर नोट कर लो, प्रथमा बैंक। ठीक है, तो पहला जो मुरादाबाद में बना था उसका नाम था प्रथमा बैंक। उसके बाद कहाँ बना था, गोरखपुर यूपी में, हरियाणा भिवानी में, राजस्थान जयपुर में और वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट में। ये 5 बैंक्स बन गए थे आरआरबी के। ठीक है, जो पहला बना था यूपी के मुरादाबाद में, ठीक है, पहला बैंक जो बना था वो मुरादाबाद में बना था, याद रखना। इसको स्पॉन्सर किसने करा था, इनके जो स्पॉन्सर बैंक है वो आपको वो भी याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन ही है, तो पहला बैंक जो बना था मुरादाबाद में प्रथमा बैंक, उसको स्पॉन्सर करा था सिंडिकेट बैंक ने। किसने स्पॉन्सर करा था, सिंडिकेट बैंक ने उसको स्पॉन्सर करा था। उसके बाद जो बना था गोरखपुर में, उसको स्पॉन्सर किसने करा था, उसको स्पॉन्सर करा था SBI ने। और हरियाणा भिवानी में जो बना था उसको PNB पंजाब नेशनल बैंक ने स्पॉन्सर करा था। राजस्थान जयपुर में जो बना था उसको स्पॉन्सर करा था यूको बैंक, या दैट इज़ यूनाइटेड नेशनल बैंक ने। और उसके बाद जो बना था लास्ट में बना था वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में, उसको स्पॉन्सर करा था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने। ये इनके कुछ स्पॉन्सर बैंक्स हैं जो कि इनको स्पॉन्सर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, यानी जो पैसा मिलता है, जो कैपिटल्स होती हैं जो बैंक्स शेयर करते हैं, यानी जो शेयर कैपिटल होती है बैंक की, वो 3 लोगों के बीच में डिवाइड होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर गवर्नमेंट। अब ये जो प्रपोर्शन है ये कैसा रहता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार लगाती है 50%, और स्पॉन्सर बैंक्स भी बहुत पैसा लगाते हैं, दैट इज 35% बाय द स्पॉन्सर। और जो जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सिर्फ 15% लगाती है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है, और स्पॉन्सर बैंक्स जो हैं उनका शेयर, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कितना शेयर लगाती है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं, और सिर्फ 15% जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है वो लगाती है। तो आरआरबी में इन तीनों का जो शेयर है वो पूछा जा सकता है, कहीं भी एमसीक्यू क्वेश्चन में इन तीनों का शेयर पूछा जा सकता है कि आरआरबी में इन तीनों का शेयर कितना परसेंट रहता है। उसके बाद जो ऑथोराइज्ड वर्क, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइज्ड वर्किंग कैपिटल ऑफ आरआरबी वाज 1 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल वाज, जो यहाँ पे पेड अप कैपिटल रहती है आरआरबी के लिए, 25 लाख रहती है हर एक बैंक में। उसके बाद आरआरबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आरआरबी क्यों बने, आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उनका विकास हो सके, उनको भी कुछ क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए काम था। और उसके बाद जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, अगर किसान की बात करें तो ज़्यादातर हमारे जो इंडिया में किसान है वो मार्जिनल है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल किसान तो फिर भी थोड़ा बहुत अमीर होते हैं, लेकिन मार्जिनल किसान जो होते हैं सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, सबसे लोएस्ट लेवल के जो किसान हमारे इंडिया में होते हैं मार्जिनल किसान कहते हैं। स्मॉल से भी जो और छोटा होता है वो मार्जिनल किसान होता है। उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, एग्रीकल्चर लेबर आर्टिसन और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, उनको रहने के लिए, उनको अपना काम, अपना वेंचर, अपना स्टार्टअप करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम था आरआरबी का। इसलिए हमने इस ऑब्जेक्टिव्स के
आरआरबी स्टैब्लिश हुए थे। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कमेटी तैयार हुई थी। देखो आरआरबी कब स्टैब्लिश हो गए थे याद रखना, 1975 में, ठीक है। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1975 में आरआरबी स्टैब्लिश हो गए थे। अब आरआरबी अपना काम अच्छे से कर रहे ही नहीं कर रहे, इसको इसके लिए एक सर्वे कराना था। सर्वे कराने के लिए जो सरकार उसने कमेटी तैयार करी थी, जून 1977 में कमेटी बनी थी प्रोफेसर एम एल दंतवाला के अंदर, ठीक है। इस कमेटी का मेन काम था कि जो आरआरबी की परफॉर्मेंस है, कि आरआरबी अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको इवैल्यूएट करना। और इन्होंने 1977 में अपना रिसर्च शुरू कर दी और 1980 में अपनी रिपोर्ट को पेश करा और कुछ रिकमेंडेशंस भी करी थी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी वॉज वेरी इसेंशियल, बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है आरआरबी का इस्टैब्लिश करना, ठीक है। इससे क्या होता है, जो क्रेडिट नीड्स होती हैं हमारे फार्मर्स की और जो वीक सेक्शन वीकर पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी, उनकी क्रेडिट नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमारा क्या था कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे अपना फंक्शन प्ले कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है तकावी। तकावी क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। कब दिया जाता है, भारत सरकार जब तकावी लोन देती है, इसका मतलब कि जब भारत सरकार, अगर हमारी क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू फेमाइन, बहुत महामारी आ गई या डिस्ट्रेस कंडीशन आ गई, ठीक है। कभी कभार होता है ना, एकदम महामारी या डिस्ट्रेस कंडीशन आ जाती है हमारी क्रॉप्स में, जिससे हमारी पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। उस कंडीशन में जो सरकार लोन देती, उस लोन को तकावी लोन बोलते हैं। याद रखना, तकावी लोन कब मिलता है, जब भी कभी फेमाइन आ गई या डिस्ट्रेस कंडीशन, ये दो की वर्ड्स आपको याद रखने, फेमाइन या डिस्ट्रेस कंडीशन आती है, उस टाइम पर सरकार जो लोन दे रही है उस लोन को हम तकावी लोन्स कहते हैं। इसके बाद फुल फॉर्म है FSS, क्या होता है, दैट इज़ फार्मा सर्विस सोसाइटी। पैक्स की तो फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट हुई है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। अब बाकी जो प्रीवियस चैप्टर आगे जो चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गाइज, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो, और चैनल में बने रहिए।